अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल चौधरी परवेज ढिल्लों। दोस्तों आज की वीडियो बहुत हसास मौजू पर बनाई गई है। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो आपको ये वीडियो देखकर बहुत दुख होगा, क्योंकि पहले तो हमारे सियासतदानों ने हमारे मुल्क को दिवालिया कर दिया है, अब दीन इस्लाम और कुरान मजीद की भी बेहरमती करने लगे हैं। ना इनको अल्लाह का खौफ है और ना ही हमारा कानून हरकत में आता है। जो किसी का दिल करता है वो बोल देता है। जे साहब सिंध कौमी महाज नामी पार्टी का चेयरमैन है और इसकी पार्टी इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड कर रखी है। ये पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, अजीब दर अंदाजी है। जहां कोई भी दो टके का बिल्ला उठता है और दूसरों को खुश करने के लिए इस्लाम पे, उलमा पे या कुरान मजीद पे उंगली उठाता है और भौंकना शुरू कर देता है। जिन्हें इस्लाम पे एतराजात हैं वो इस्लाम छोड़कर ईसाइत कबूल क्यों नहीं करते? नाम भी मुसलमान वाला और भौंकते भी इस्लाम के खिलाफ हैं। और हमारी मदीना के रियासत वाले हुक्मरान और इस हुकूमत के चेलों से गुजारिश है, क्या कोई कानून लागू नहीं होता इन पर? क्या इलेक्शन कमीशन को कोई जरूरत नहीं कि वो देखे कि कौन सी पार्टी रजिस्टर्ड करवानी है और कौन सी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं करनी? क्यों अल्लाह ताला के अजाब को खुलम खुला बुलाया जा रहा है? ये कोरोना वायरस का अजाब तो हमारे लिए बहुत कम है। जैसे हमारे काम और हरकतें हैं इसके लिहाज से तो कोरोना वायरस कुछ भी नहीं। खुदारा हमारे मुल्क में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसा कोई हुक्मरान आए और वो इस मुल्क के निजाम को बदले, वरना हमारा अंजाम खौफनाक होगा। इस इस्लाम दुश्मन का ट्वीट आप पढ़ें, क्या ये इंसान मुसलमान है? मुझे तो नहीं लगता ये इंसान मुसलमानों के लिबास में मुशरक है। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसे बदबख्तों को राहे रास्त पर लाए, आमीन। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, हस्बे तौफीक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम पर शेयर करके इस्लाम दुश्मनों को बेनकाब करने में अपना किरदार अदा कीजिए।